टीचर है कि कन्वेंशनल से ऐसे नॉन कन्वेंशनल से ऐसे टीचर है ट्रेडिशनल गुलाबाद से हूँ अभी एज ए प्रिंसिपल, लेकिन असली में रहता हूँ गांधरबल में। तो ये जो टीचर डे होता है ना, ये एक अच्छा, हम कह सकते हैं एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एक बच्चे को भी अहमियत आती है समझ एक टीचर की, और जो टीचर होते हैं वो भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमने क्या ज़िंदगी में अपने बच्चों को दिया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, जो एक टीचर होता है ना, वो अपना दिन रात मेहनत करके बच्चों के पीछे लगाता है, और जब ये दिन आता है तो उस दिन बच्चे छोटा मोटा कोई गिफ्ट लाते हैं, और उस गिफ्ट देने की वजह से जो टीचर होते हैं उनको भी लगता है कि ना हमने कोई मेहनत की है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को एज ए प्रिंसिपल यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए स्टाफ के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, क्योंकि जब वो कोऑपरेट करते हैं ना, तब जाके हम भी आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम मीर इशरत है और मैं इस स्कूल में काम कर रही हूँ, विंसेंट स्कूल में, 5 सालों से एज ए टीचर। आज हमने टीचर्स डे मनाया, यहाँ पे गैदरिंग हुई पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे आए, उनके पेरेंट्स आए, एक तो बच्चे एनकरेज हो गए इस वजह से, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे इस वजह से। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को भी लगा कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये पढ़ते हैं, इनके टीचर्स हैं जो इनके पीछे हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ करते हैं स्कूल में। और आजकल अगर हम देखेंगे, बच्चे जो है ना वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसके लिए टीचर और पेरेंट्स दोनों का एक अहम रोल होता है। जितना ज़्यादा पेरेंट का होता है उतना ज़्यादा टीचर का भी होता है। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अवेयर करे कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अवेयर करे कि आपके टीचर आपको क्या सिखा रहे हैं। बच्चे स्कूल से घर जाए तो उन बच्चों से पूछे कि आप कहाँ थे, आपने क्या पढ़ा, आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया।